मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात में मंडी पुलिस ने प्रकाश नगर स्थित रेलवे ट्रैक से दो शव बरामद किए, जिसकी जानकारी देते हुए मंडी थाना प्रभारी नलिन बुधुलिया ने बताया कि मंगलवार बुधवार की रात रेलवे स्टेशन मास्टर से सूचना मिली कि प्रकाश नगर स्थित रेलवे ट्रैक रानी सती मंदिर के सामने दो लोगों के शव दिखाई दिए हैं, जिस पर मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो युवक युवती का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद कर मर्चियोरी में रखवाया, जिसमें युवती की पहचान राजस्थान के टांक के रहने वाली बताई गई है। वहीं युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई। कल देर रात 1 बजे हमें स्टेशन मास्टर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति रेलवे स्टेशन के आगे पुल के नज़दीक ट्रेन से रन ओवर हो गए। मौके पर जाकर हमने देखा तो 20-25 साल के दो, एक महिला और एक पुरुष का शव वहाँ पर ट्रेन से कटकर क्षत अवस्था में हमें मिला था। उस पर हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया था। वहाँ से शव को हटाकर मॉर्चरी रूम में रखवाया गया था। आज दिन में उनका पोस्टमार्टम हुआ है। मृतक महिला की शिनाख्त हो गई है, एक पुरुष की शिनाख्त होना शेष है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है जैसे मामला आत्महत्या का है। अभी इसमें जांच की जा रही है। सर, महिला कहाँ की, क्या नाम है सर? ये राजस्थान में टोंक की रहने वाली है। अभी हमको जानकारी लगी है, उसके परिजन अभी इधर आ रहे हैं, उसके बाद में हमें उससे और विस्तृत जानकारी उसके बारे में पता चलेगी। पुरुष के पास ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली। Thank you.